आज अगली एक्सरसाइज जो 5.5 है हमारी, उसके इंट्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोगों को पढ़ना है लघु गणकीय अवकलन, इसका अंग्रेजी में बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लघु गणकीय अवकलन यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है तो मैं आपको बताऊं, ये एक प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम किसी भी फलन का अवकलन करते हैं। किस फलन का अवकलन करेंगे हम इसकी हेल्प से? तो इसकी हेल्प से हम जिन प्रकार के फलनों का अवकलन करेंगे, देखिए अभी तक आपने जो भी फलन देखे उसमें आपने बहुत तरह के फॉर्मूले लगाए, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, ये वो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के देखे, एक्स टू दी पावर एन देखा। आज हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे, लघु गणकीय अवकलन। इसमें किस प्रकार के फलनों का अवकलन किया जाएगा, किस प्रकार के फलनों का अवकलन किया जाएगा? देखो जैसे मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली बताता हूं, अगर आपके पास एक कोई फंक्शन है एक्स टू द पावर साइन एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। अब आप बताएं, ध्यान से देखें, अभी तक में जो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं या अभी तक जो फॉर्मूले आपने यूज किए हैं उनको याद किया है आपने, उनमें से आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना चाहिए? एक्स टू द पावर एन का लगाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, ठीक है? अब देखिए यहां पर एक्स क्या है, एक्स का एक फलन है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एन क्या चीज है बता सकते हैं? दिस इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, याद आया? अब इसको देख के बताइए, इसमें ये क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड, क्या आप कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंट टर्म है? कॉन्स्टेंट टर्म, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन एक्स का फलन तो ये भी है ना, समझ आ रही है आपको? तो अब आप मुझे बताइए, क्या इसके डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूला यूज करते थे वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं? तो फिर यूज कर सकते हैं क्या? आप यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेट अलग होता था और इसका फॉर्मेट अलग होता था। एक और हो सकता है आपको डाउट जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, इसमें ये क्या चीज है, ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन शर्त क्या थी कि एक का मान एक से बड़ा होना चाहिए। और एक्स क्या चीज है, एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, समझ आया? क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, यूज कर सकते हो क्या? आप इसको भी यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसके लिए बेस में कांस्टेंट होना चाहिए और यहां एक फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। इसमें तो आप ध्यान से देखो, इसमें तो ये भी एक्स का फलन है, ये भी एक्स का फलन है, दोनों ही फंक्शन यूज हो रहे हैं। तो आप इसमें ना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज कर सकते हो, ना तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यूं, आप अभी तक के पढ़े गए हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें से कोई सा भी फॉर्मूला आप इसके कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो क्या कोशिएंट रूल यूज कर सकते हैं, भाग वाला मेथड जिसमें सूत्र लगाते थे, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, यूज कर सकते हैं क्या? बताइए, नहीं यूज कर सकते। क्यों? वो कब लगता है, जब फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है। तो क्या ये भिन्न है? भिन्न भी नहीं है। प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते। चैन रूल लगा सकते हो क्या? चैन रूल भी आप नहीं लगा सकते, समझ आ रहे? तो अभी तक जितने भी फॉर्मूले हमारे पढ़े गए हैं उनमें से हाँ सारे फॉर्मूले हमारे लिए इसके कैलकुलेशन के पर्पज के लिए बेकार है, कोई यूज का नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन पर हमारा तरीका ये होता है कि प्रोसेस सुनिए क्या होगा। तो आप याद रखेंगे ना, जब भी कभी फंक्शन की पावर में क्या लगा हो,
फंक्शन, फंक्शन की भी पावर में क्या होगा, फंक्शन। उस वक्त हम जो तरीका लगाएंगे उसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। वो प्रोसीजर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहलाता है। क्या प्रोसीजर होता है? बड़ा सिंपल प्रोसेस है। दोनों पक्षों का हम क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में अगर आप लॉग ले लेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, अब एक्स टू द पावर साइन एक्स, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी है, लॉग एम टू द पावर एम, तो एन लॉग एम हो जाएगा, एन मीन्स साइन एक्स आगे आ जाएगा, साइन एक्स इन टू लॉग एक्स, दिस इज लॉग वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इन टू लॉग एक्स। अब आप ध्यान से देखें, अभी थोड़ी देर पहले इसको हल करने के लिए हमारे पास अवेलेबल हर फॉर्मूला यूजलेस था, लेकिन अब आप जानते हैं, अब हम जब ऐसा बना लेंगे तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, और दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम प्रोडक्ट रूल यहाँ लगा सकते हैं। और इसके पहले तक प्रोडक्ट रूल हम नहीं लगा पा रहे थे, बात समझ में आई। तो अगर फंक्शन की पावर में भी फंक्शन है तो उनको प्रोडक्ट में, उनको गुणनफल में कौन ला सकता है, लॉगरिथम। और इसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाओगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका। अब बताएं, कुछ बात समझ आई आपको, ये नहीं समझ में आई? तो सबसे पहली चीज तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि लघुगणकीय अवकलन की जो प्रक्रिया होगी ये एक प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस है। ये प्रोसेस कब लगेगी, पहले तो उसका फॉर्म देखिए कि किस फॉर्म के क्वेश्चन होंगे उनमें ये लगेगी। तो आपके क्वेश्चंस का फॉर्म होगा एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या देखा आपने, फलन की पावर में क्या होना चाहिए, फलन। तो फलन की पावर में फलन होना चाहिए, सपोज यू एक्स टू द पावर है वी एक्स, ये भी एक्स का एक फलन है और ये भी एक्स का क्या है, एक फलन है। तो सबसे पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में ही आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। नहीं समझ में आया आपको? अच्छा, ये फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेट होगा। इसके बाद तरीका क्या होगा सॉल्यूशन का, दोनों पक्षों में क्या करते हैं आप, दोनों पक्षों में आप लॉग ले लेते हैं, लॉग लेने पर। तो जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो यहां क्या मिलेगा, लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एम टू द पावर एन, में एन आगे आ जाएगा ना, तो वी एक्स इन टू लॉग यू ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, अब एक चीज ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, ये तो तरीका है, आगे फिर इसके बाद क्या कर दोगे, आगे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आगे डिफरेंशिएशन आप करोगे। एक चीज मैं और आपको यहां बताना चाहता हूं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, देखो इसी प्रकार के फलनों में ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा। पहले तो एक चीज ये याद कर लो, कभी भी एक फलन आपको दे दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, डिफरेंशिएट करो बोला जाए इसका, डिफरेंशिएट करो, तो आप जब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, दिस इज नॉट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसको लघुगणकीय अवकलन नहीं कहा जाएगा, याद रखिए आप लोग। लघुगणकीय अवकलन इस प्रकार के फलन का अवकलन करने में जो लॉगरिथम हम यूज करते हैं उसके बाद अवकलन करते हैं, इसको बोलते हैं लघुगणकीय अवकलन। कोई फंक्शन ऑलरेडी लॉग का है तो उसका अवकलन जब आप करते हैं तो उसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं बोलते। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ,
कि लघुगणकीय अवकलन का यूज कब होता है? क्या लॉग एक्स का अवकलन करने में होता है? नहीं होता। तो लघुगणकीय अवकलन का प्रयोग कब करते हैं आप? जब आप एक फलन के ऊपर एक दूसरा फलन पावर में लगाओ, फिर दोनों बच्चों का लॉग लेके उसको आगे लाते हैं, फिर उसमें डिफरेंशिएशन करते हैं। दिस प्रोसीजर इज नोन एज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। आप देखो क्या ये जो प्रक्रिया यहां यूज करें वो यहां करा था क्या आपने? जरूरत पड़ी थी क्या आपको? नहीं पड़ी। तो वो चीज अलग है, ये अलग है। उसको डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बोलते हैं और ये होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। वो लघुगणकीय अवकलन नहीं है, ये लघुगणकीय अवकलन है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू। कुछ समझ में आया? ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नाम है लघुगणकीय अवकलन। इसमें हमने लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकाला है, लॉग एक्स का अवकल गुणांक निकाला है इसमें हमने, और यहां पर हम लघुगणकीय अवकलन कर रहे हैं। समझ आया? तो ये फॉर्मेटिक होगी, दोनों में ये फर्क भी है। और एक चीज समझिए, जब आप ऐसा करते हो तो लॉग किसके किसके साथ आता है, इसको चेक करके बताओ। तीन फलन है, एफ एक्स, यू एक्स, वी एक्स। लॉग रिथम किसके किसके साथ आता है? देखो एफ एक्स और यू एक्स के साथ में लॉग रिथम आता है। सब देख रहे हैं, एफ एक्स के साथ भी लॉग रिथम आता है, यू एक्स के साथ भी लॉग रिथम आता है। और आप अभी अभी कुछ ही एक ही दो दिन पहले आपने लॉग रिथमिक फंक्शन पढ़े हैं, उसमें आपने ये पढ़ा था कि लॉग रिथम नेगेटिव फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करता। लॉग रिथम में नेगेटिव के लिए उसकी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती। इसका मतलब एक और साफ है कि जब भी कभी ऐसा फलन लिखा हो, कभी भी एफ एक्स और यू एक्स को कैसा नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। वी एक्स माइनस हो जाए चलेगा, लेकिन एफ एक्स और यू एक्स को क्या नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि फिर उसके लिए लॉगरिथम डिफाइन नहीं रहेगा। नेगेटिव फलनों के लिए लॉगरिथम परिभाषित नहीं होता, इसलिए वी एक्स नेगेटिव हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, लेकिन एफ एक्स और यू एक्स नेगेटिव नहीं होने चाहिए भाई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये तो आगे का प्रोसेस है, आप कर लेंगे, इसके बाद मैं कुछ नहीं लिखूंगा। एक नोट करके मैं एक पॉइंट लिखे देता हूं, कभी भी फलन एफ एक्स और यू एक्स ऋणात्मक कभी भी फलन एफ एक्स और यू एक्स ऋणात्मक नहीं होने चाहिए। ये वी एक्स अगर ऋणात्मक हो जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके साथ लॉगरिथम भी तो नहीं जा रहा है, इसलिए ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो आप ये मुझे बताएं, क्या आपको ये समझ में आया कि लघुगणकीय अवकलन क्या होता है, और लॉग वाले फलन का जो आप करते हो तो वो लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकलता है। तो लघुगणकीय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अलग है और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स ये अलग चीज है। क्या शर्त है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब यहां पर आपको लिख दिया, बस इतना सही है। अब इसका बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लगा के हम दिखाते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज मैं और बताता हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आप ऐसे करोगे, इसमें बच्चे गलती करते हैं एक जगह पर, जब उनको एक टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, और वो किस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है मैं यहां से ले लेता हूं जरा। कोई भी फलन ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, देखो बेटा ध्यान से देखें सभी बच्चे, सारे बच्चे उस क्वेश्चन में गलती करते ही हैं। कैसे गलती करते हैं? एक हमारे पास फलन है x टू दी पावर x माइनस, कुछ भी लिख देते हैं, साइन x टू दी पावर cos x। एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, अब आप इसको कैसे करोगे? यहां भी तो फलन की पावर फलन लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए दोनों पक्षों का? देखो बच्चे करते क्या हैं, मैं वो आपको दिखाता हूं।
वो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं, तो इधर को क्या लिखते हैं वो, लॉग एफ एक्स, इसमें क्या बन जाएगा बताओ, इसमें बन जाएगा एक्स लॉग एक्स, इसमें क्या बन जाएगा कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, ये बन जाएगा, गलत कर दिया ना आपने भी, आपने भी बोल दिया ये बन जाएगा, आपसे गलती हो गई। एक्चुअली एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं, देखो एक्चुअली आप जानते हैं क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का लॉग लिया हमने, तो लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स माइनस साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स। और आप याद करें ये यहां पर क्या फॉर्मेट है, ये है लॉग एम माइनस एन, और आपको मैंने बताया था लॉग एम माइनस एन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। तो आप जैसे ही ये क्वेश्चन देखोगे तो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये फलन आ गया, फलन की पावर फलन, तो आपको लगेगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मुझे आ जाता है, और उसकी जल्दी में इस क्वेश्चन में आप गलत कर ही दोगे जाके, ये ऐसे नहीं होगा, गलत है ये। तो फिर कैसे होगा, आंसर है उस वक्त इस फलन का हम अलग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे और इसके बाद वैल्यूज लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन अभी आएगा, हम लोग करेंगे इसे, कुछ बात समझ आ रही है। तो आगे से गलती भी आपको नहीं करना है, और लॉगरिथम की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको अच्छे से इस्तेमाल करते हुए, उनको अच्छे से यूज करते हुए, ताकि आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो सके, उनका हमें लॉगरिथमिक अवकलन करने हैं। तो अब आप एक काम करें, इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, आप नोट कर लें इसको, ठीक है, नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 30 सबसे पहले हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 30 में हमारा जो क्वेश्चन लिखा है, x के सापेक्ष इस फलन का अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष आपको इस फलन का अवकलन करना है। फंक्शन क्या है, मैंने इसको y मान लिया, आप fx मान सकते हो, पर y से ज्यादा इजी लगता है तो हमने y कर लिया। अंडर रूट एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये इसको अवकलन करना है हमको, ठीक है। बेटा एक चीज आप देखो, क्या अंडर रूट को हटाकर इसकी पावर 1/2 आप कर सकते हो, ठीक है, तो x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और क्योंकि अंडर रूट हमने यहां से एलिमिनेट किया है तो उसके बदले में मुझे पावर 1/2 लगानी पड़ेगी। एक बार मैं एक काम करता हूँ, लॉगरिथम के कुछ रूल्स आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ, वैसे मैं बता चुका हूँ पर फिर भी आपको याद दिलाता हूँ। देखिए लॉग एम इंटू एन की वैल्यू क्या होती है, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन की वैल्यू क्या होती है, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम टू दी पावर एन की वैल्यू क्या होती है, एन लॉग एम, ठीक है। ये दो तीन प्रॉपर्टी हैं, और भी प्रॉपर्टी हैं, पर हमारा काम इन्हीं से बनेगा। इसमें मैं एक काम आपको बताना चाहता हूँ, एक बात आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो चीज़ आप सीख लें तो लॉगरिथम का कितना भी बड़ा फंक्शन हो एक लाइन में आपको ओपन करना आ जाएगा, इसलिए मैं वही करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे करना क्या है अवकलन। अब मैं ये नहीं करना चाहता कि पहले लॉगरिथम को ओपन करने के लिए 5 लाइन लगे हमारी, हमें तो अवकलन करना है, तो मैं चाहता हूँ लॉगरिथम वाला काम बड़ी जल्दी से हो जाए, इसलिए आप इसको सीखिए कि ये कैसे कर सकते हो। देखो इधर गौर से समझें सभी बच्चे, ये लॉग के साथ जब नंबर मल्टीप्लाई में होंगे तो उनका क्या होगा, सबको अलग अलग लॉग मिलेगा, प्लस हो जाएंगे। एक एक बात ध्यान रखिए, मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ अभी। अगर लॉग के साथ वाले नंबर गुणा में हैं तो कोई परेशान ना हो, लॉग सबको मिलेगा, लेकिन वो कैसे हो जाएंगे, प्लस में। अगर अपॉन में कोई नंबर है
तो उसको भी लॉग मिलेगा और वो नंबर कैसा हो जाएगा, माइनस। देखो ये अपॉन में है, एन को भी लॉग मिला लेकिन ये नंबर कैसा हो गया। तो जो नंबर अपॉन में रहा करेंगे, बटे में रहा करेंगे, उनको लॉग मिल करके, लॉग दे के उनको कैसा कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर कोई नंबर पावर है तो पावर का क्या होगा, पावर आगे आ जाया करेगी। तो दो तीन बातें, पावर आगे आ जाएगी, अपॉन का नंबर माइनस में चला जाएगा, गुणे का नंबर प्लस में आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पर आइए, सबसे पहले पावर, पावर का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी। ये नंबर गुणा में है, कैसे हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, और ये भाग में है, माइनस। लॉग सबको मिलेगा, ठीक है। देखो कैसे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी। लीजिए भैया, पावर आगे कर दिया हमने, ये दोनों नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस में हो जाएंगे। लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, ये अपॉन में है, माइनस लॉग थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। आप बताइए, आपको समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, या मैं इसमें दो तीन लाइन लगाऊंगा तो ही आप समझ पाएंगे। आ गया समझ में, ध्यान रहेगा ना, आगे के सारे क्वेश्चंस में जहां जहां मुझे ऐसा मिलेगा मैं यही काम करा करूंगा। जैसे ही लॉग ले लिया उसके बाद क्या करना है बताइए, दोनों पक्षों का अब अवकलन करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों पक्षों को। ध्यान से देखिए, लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, आप फलन वाई का है पर अवकलन तो एक्स के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। ये समझ आया, ये क्यों लगाया हमने, क्योंकि फंक्शन एक्स वाई का है और अवकलन तो हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए हमने ये लगाया। इज इक्वल टू वन बाई टू, कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर कर दो। देखिए लॉग एक्स माइनस थ्री का डेरिवेटिव, आप चाहें तो मैं एक लाइन में लिख देता हूं यहां पर पहले, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस, सॉरी, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस फोर माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। बताएं इतने में अभी तक कोई प्रॉब्लम आपको? ओके, अब वन बाई टू, आपको तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए ना, तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, ये तो चाहिए नहीं, तो इसको उधर भेज दो। जब ये वाई उधर जाएगा तो y यहां पर आ जाएगा, इस तरह से ये क्या बन जाएगा, y बाई टू डी डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस थ्री। थोड़ा सभी ध्यान से देखें, लॉग x इसको क्या मान लो थोड़ी देर के लिए, तो लॉग x का डेरिवेटिव वन अपॉन x, वन अपॉन x मतलब वन अपॉन x माइनस थ्री, जिसको आपने x माना, क्या रियल में x है, तो इसको क्या करोगे, अवकलन करेंगे, तो कर दो। अब लिखूंगा नहीं मैं, x का अवकलन 1, 3 का क्या मिला 1 माइनस जीरो, और 1 माइनस जीरो का मतलब 1 प्लस, इसका ऐसे ही करो, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, log x का क्या होगा 1 अपॉन x, और जिसको आपने x माना इसका अवकलन करेंगे, x स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस 4 का 0, 2x प्लस 0 2x माइनस log x मानकर फिर इसको करो 1 अपॉन x 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसका तो फिर करोगे ना,
तो 3x² का क्या होगा? 6x + 4, 5 के लिए 0। बताओ समझ आया कि नहीं आया? नहीं आ पाया? अरे आ गया ना सबको। चलिए और आगे देखते हैं। y की जगह वैल्यू लिख दो, y की वैल्यू ये है, इसको नोट कर देते हैं, 1/2 अंडर रूट x-3 इंटू x² + 4 अपॉन 3x² + 4x + 5। देखो 1/2 की जगह 1/2, y की जगह y, बाकी इसको ऐसा ही नोट कर दो। ये 1/(x-3) प्लस 2x/(x²+4) माइनस 6x + 4/(3x²+4x+5) और यही बेटा हमारा आंसर है। ये किसकी वैल्यू है? डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू है। यही हमारा आंसर है। देखिए बेटा समझ आया आपको? इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नोट कर लें इसको जरा आप। अगला एग्जांपल ले लीजिए, ले लेते हैं हम एग्जांपल नंबर 31। इसको हटा दिया जाए, चलिए अच्छा लिखा रहने देते हैं। एग्जांपल नंबर 31 लिखा, x के सापेक्ष e^x का अवकलन कीजिए, जहां a एक धन अचर है। x के सापेक्ष e^x, तो e^x को ना हम y मान लेते हैं, क्योंकि इसी का मुझे x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि जहां a एक धन अचर है, तो उन्होंने बताया कि a कैसा है, अचर है और पॉजिटिव, क्योंकि उनको वो खुद आपको देखो एनसीईआरटी की ये बड़ी अच्छाई है कि वो हर चीज़ को बड़ा क्लियर कर देते हैं जब भी कोई चीज़ देते हैं। तो अब ये तो आपको भी पता है कि इस प्रकार के फलन में वाई को और ए को क्या होना चाहिए, प्लस अगर लॉगरिथमिक अवकलन कर रहे हैं तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया। हमने पहले ही बोल दिया कि भैया ए कैसा है, देखो कॉन्स्टेंट है पर पॉजिटिव है, क्योंकि आप बाद में क्लेम करोगे कि ए निगेटिव तो नहीं है कहीं, इसलिए उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ए इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट नंबर। ओके बस बेहद इजी सवाल है। आप दोनों पक्षों का क्या करें? सबसे पहले लॉग ले लीजिए, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं, क्या होगा बताइए? लॉग वाई, यहां तो केवल पावर आगे आएगी आज, तो एक्स लॉग ए, ठीक है। अब क्या करना है बोलो? दोनों पक्षों का अवकलन करना है। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफरेंशिएट करो। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई, यहां भी किया था ना आपने, इज इक्वल टू, इसमें अब आप ध्यान से देखिए, एक्स इंटू लॉग ए, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, लेकिन लेकिन लॉग ए फंक्शन नहीं है, लॉग ए तो कॉन्स्टेंट है। आप देखो ना ए इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट नंबर, तो लॉग ए क्या है, और डिफरेंशिएशन करते वक्त कॉन्स्टेंट टर्म को क्या ले लेते हैं आगे, तो लॉग ए को हम आगे ले लेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? एक्स का। तो ये हमने लिख दिया लॉग ए इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? आया। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, तब तक वाई भी उधर पहुंच जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग ए, बिकॉज इट्स वैल्यू विल बिकम 1। y की वैल्यू नोट कर दो, a^(x) log a^(e) डी डी एक्स ऑफ वाई। देखो ये बेस e लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनसीईआरटी में जब बेस नहीं लगाते हैं
तो इसका मतलब ही है कि ये कौन सा लॉगरिथम है, नेचुरल, और उसका बेस क्या माना जाएगा, ई माना ही जाएगा। अब आप थोड़ा सा याद करो, इससे पहले जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पढ़ाए गए थे तो उसमें ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव यही बताया गया था, आया? तो ऐसा नहीं कोई चीज़ ज़बरदस्ती आती है, उसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट ज़रूर है और यहाँ से आपको मिलेगा। तो ये हमने कौन सा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 31। और एक चीज़ मैं और बताऊँ, आप डरिएगा नहीं, आप सोचोगे हम किस चीज़ से डरते हैं, आंसर देख के देखो, इसके आंसर बड़े ऊटपटांग टाइप के मिलेंगे आपको। लॉगरिथमिक फंक्शन में देखो कितना बड़ा बड़ा आंसर आपको मिलेगा, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, आप केवल प्रोसीजर सही सही लगाइएगा बस, ठीक है? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 32 करते हैं। अब हम इसको ना हटा देते हैं, बहुत देर से लिखा है और पहले भी बता चुके हैं हम आपको। एग्जाम्पल नंबर 32 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 32 पे एक्स के सापेक्ष एक्स टू दी पावर साइन एक्स का अवकलन कीजिए जबकि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। देखो फिर से उन्होंने बताया कि ये जो नंबर एक्स है ये एक्स जीरो से बड़ा है, साइन एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हमने लघुगणकीय अवकलन जो है उसकी शर्त देखी थी, क्या थी कि एफ एक्स और यू एक्स को क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव। बाकी अगर वी एक्स नेगेटिव हो जाए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके, कर सकते हैं इसको आप, कैसे करेंगे बताइए, क्या करा जाए? दोनों पक्षों का लॉग लेने पर चलो भाई ले लो दोनों पक्षों का लॉग, तो इधर हो जाएगा लॉग वाई और इसमें पावर आगे आ जाएगी, तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है बेटा? अब ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। अब आप देखो log y का बोलो, dy अपॉन dx, नहीं देखो log y का पहले तो 1 अपॉन y फिर dy by dx, ठीक है? तो 1 अपॉन y d dx ऑफ y इज इक्वल टू, इसको कैसे करिएगा बोलो, इसमें देखो दो फलनों का गुणा हो रहा है तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन वाला सूत्र लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। क्या होता था बताइए, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक, कर दें डायरेक्ट, प्रथम फलन साइन एक्स दूसरे का अवकल गुणांक लॉग एक्स का अवकल गुणांक बताइए 1 अपॉन x, प्लस दूसरा फलन लॉग एक्स पहले का अवकल गुणांक साइन एक्स का अवकल गुणांक कॉस एक्स। वाई उधर भेजना है आपको, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब वाई की वैल्यू आप नोट कर दो, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई की जगह पे एक्स टू द पावर साइन एक्स और ब्रैकेट के अंदर होगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 32 का ये आंसर आ गया आपका, नहीं समझ में आया? उन्होंने थोड़ा सा और कैलकुलेशन किया है, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करवा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा नंबर हमने कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 32। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 33, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 33, और ये इस एक्सरसाइज से पहले लास्ट एग्जाम्पल भी है। इसको कैसे करना है, ये वही वाली चीज़ आ गई जो अभी हमने बताया था कि बच्चे बहुत गलती करते हैं,
एक से ज़्यादा फंक्शन एक दूसरे के साथ ऐड हैं और इससे डी डी एक्स ऑफ वाई तक हमको पहुंचना है। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ध्यान से समझ लीजिए इसको, ताकि एक्सरसाइज में मिलने वाले इस तरीके के सारे क्वेश्चन आप इसी मेथड से करेंगे। आप सबसे पहले ये जो फलन है इनको कुछ मान लेंगे। जैसे देखो, माना वाई वन इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स, वाई टू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई, और वाई थ्री इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। इसको वाई वन मान लिया, इसको वाई टू मान लिया, इसको वाई थ्री मान लिया, ठीक, रख दीजिए वैल्यू। देयरफॉर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, वाई वन, इसकी जगह पर वाई टू प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू ए टू द पावर बी। उसको मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर करिए, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई टू प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई थ्री इज इक्वल टू, बेटा देखो ये कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो। इतना करके आप इसे इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए और इसको यहीं छोड़ दीजिए। क्या किया, जो भी ये फंक्शन है सबको अलग अलग वाई वन वाई टू वाई थ्री माना, वैल्यूज अप्लाई की, अवकलन कर दिया और इक्वेशन नंबर वन मान करके इसको यहीं जमा दिया हमने। अब हमको चाहिए क्या, देखो हमको डी डी एक्स ऑफ वाई वन चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई टू चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई थ्री चाहिए, सबकी वैल्यूज हमको अलग अलग चाहिए और फिर हम यहां पर पुटअप करेंगे आके। तो एक एक करके लेते जाते हैं यहां से। अब वाई वन इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स, यही तो है, इसको करना है अवकलन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो ये आ जाएगा लॉग वाई वन इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई, पावर आगे आ जाएगी। अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग वाई वन का बताइए, वन अपॉन वाई वन डी डी एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल टू, इसमें दो फलनों का गुणनफल है देखो बेटा, तो प्रथम द्वितीय लगाएंगे, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक, लॉग वाई का अवकल गुणांक क्या होगा, वन अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, अभी आप कर रहे थे, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक कितना होगा, वन। वाई वन को हम उधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल टू वाई वन, ये वाई वन यहां पर आ गया और यहां क्या बचेगा, एक्स अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस लॉग वाई। वाई वन की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, वाई टू द पावर एक्स, तो ये आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल टू वाई वन की जगह पर वाई टू द पावर एक्स लिख देंगे, और बाकी जो कुछ जहां पर भी है उसको ज्यों का त्यों बना रहने देंगे। ये बेटा देखो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली भैया, डी डी एक्स ऑफ वाई वन निकाल लिया, इसी तरह से हम डी डी एक्स ऑफ वाई टू निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई थ्री निकालेंगे, फिर सबकी वैल्यू यहां लिखेंगे आके। देखिए अब वाई टू को ले लेते हैं, वाई टू की वैल्यू है एक्स टू द पावर वाई, फिर दोनों पक्षों का क्या करते हैं, लॉग लेने पर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, लॉग वाई टू इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग वाई टू का, वन अपॉन वाई टू डी डी एक्स ऑफ वाई टू इज इक्वल टू, प्रथम द्वितीय यहां भी लगेगा, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक लॉग एक्स का फन अपॉन एक्स, तो यहां लिख देते हैं प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई टू उधर चला जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ वाई टू इज इक्वल टू वाई टू लिखेंगे और वाई टू की जगह वैल्यू क्या लिखी जाएगी, एक्स टू द पावर वाई। नहीं समझ आया भाई, वाई टू जाएगा यहां और वाई टू की जगह मान लिख देंगे और अंदर में क्या बचेगा, वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, ये डी डी एक्स ऑफ वाई टू आ गया। इसी तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई थ्री भी निकालेंगे। अब वाई थ्री इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, फिर से दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग वाई थ्री इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां पर कर देते हैं लॉग वाई थ्री का वन अपॉन वाई थ्री डी डी एक्स ऑफ वाई थ्री इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक, तो प्रथम फलन और लॉग एक्स का अवकल गुणांक करेंगे तो वन अपॉन एक्स प्लस दूसरा फलन पहले का डिफरेंशियल कोफिशियंट वन मत लिखो और यहां भी ये कैंसिल हो जाएगा, वाई थ्री उधर चला जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ वाई थ्री, वाई थ्री जाएगा फिर वाई थ्री की वैल्यू लिखोगे एक्स टू द पावर एक्स और यहां पर क्या आया वन प्लस लॉग एक्स। अब डी वाई वन अपॉन डी एक्स, डी वाई टू अपॉन डी एक्स और डी वाई थ्री अपॉन डी एक्स, हमने ये तीनों वैल्यूज निकाल ली। अब ये तीनों वैल्यूज हम समीकरण एक में रख देते हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है डी डी एक्स ऑफ वाई वन डी डी एक्स ऑफ वाई टू डी डी एक्स ऑफ वाई थ्री इज इक्वल टू जीरो। डी डी एक्स ऑफ वाई वन की वैल्यू लिखो, ये एक काम करते हैं गुणा करवा देते हैं क्योंकि बाद में करवाना ही पड़ेगा आपको, तो लिखते भी जाओ गुणा करवा दो, तो जब गुणा करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा बोलो, y टू द पावर x इन y टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ y प्लस y टू द पावर x का यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा y टू द पावर x इंटू लॉग y, ये हमने डी डी एक्स ऑफ y1 की जगह लिख दिया, डी डी एक्स ऑफ y2 की जगह पर इसको भी मल्टीप्लाई करवाते जाओ तो x टू द पावर y इंटू y अपॉन x प्लस x टू द पावर y इंटू लॉग x इंटू डी डी एक्स ऑफ y प्लस डी डी एक्स ऑफ y3 इधर है, इसको भी गुणा करवा लो x टू द पावर x प्लस x टू द पावर x लॉग x इज इक्वल टू जीरो। आपको डी डी एक्स ऑफ y चाहिए ना, इतना समझ आया कि नहीं आया। अब डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए तो जितने पदों में डी डी एक्स ऑफ वाई है सबसे डी डी एक्स ऑफ वाई कर लो कॉमन और बाकी जो डी डी एक्स ऑफ वाई के बिना वाले टर्म है उनको उधर भेज दो। एक चीज और देखो, चलो पहले डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करो, इससे हो जाएगा ध्यान से देखना, ये वाई की घात एक्स है और ये वाई की घात वन, वेरी गुड, भाग में घाते क्या हो जाएंगे घट जाएंगे तो वाई की घात एक्स और बटे वाई की घात वन क्या हो जाएगा, y की घात x माइनस वन इंटू एक्स। पहले ये बताओ समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, आया डी डी एक्स वाई कॉमन हुआ है इससे ध्यान रखना। यहां पर आइए, यहां क्या बचेगा डी डी एक्स वाई कॉमन लेने के बाद, बचेगा x टू द पावर y लॉग x और साथ में क्या लिख दिया
डी डी एक्स वाई, और तो कहीं डी डी एक्स वाई है नहीं, ठीक। तो इसका और इसका तो काम खत्म, बाकी सारे उधर भेज दो आप, बाकी उधर भेजोगे तो ये उधर चला जाएगा, माइनस वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई, ये उधर जाएगा। इसको देखो बेटा ध्यान से, इसमें एक्स टू दी पावर वाई ये है अपॉन एक्स टू दी पावर वन, भाग में घातें घटेंगी तो एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन, एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन इंटू वाई। तो हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, अब ये लेने हैं आपको प्लस एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर एक्स लॉग एक्स, उधर जाके ये सब कैसे हो गए माइनस। अब डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए आपको, तो डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ ये नंबर कैसे हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये उधर जाके कैसे हो जाएंगे भाग में आ जाएंगे, माइनस वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर एक्स लॉग एक्स, और ये सब नंबर बटे में आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा वाई टू दी पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स, आई थिंक यही आंसर आ जाना चाहिए। देख लो क्या दे रहे हैं आंसर, माइनस वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई इंटू एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन प्लस एक्स टू दी पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स वाई टू दी पावर वन माइनस वाई वन माइनस वन प्लस वाई एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स, ठीक है। बस इन दोनों में उन्होंने एक्स की घात एक्स कॉमन लेके बाहर कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल नंबर 33 हो जाता है। अभी आप मुझे ये बताएं कि अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता चला, तो आप सभी लोग जब घर जाएंगे आज तो इन सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.5 को ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करिए, लगाइए। जो क्वेश्चन आ जाते हैं बड़ी अच्छी बात है, और जो नहीं आते हैं ये उससे भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उस वक्त फिर मुझे मौका मिलेगा आपको बताने का, इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको आ जाएंगे मुझे भरोसा है, इसलिए आप इन्हें सॉल्व करें। और आज मैथमेटिक्स में हम इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।